ऐतिहासिक बजट था, उम्मीद से बहुत अच्छा, क्योंकि पिछली सरकार ने सिर्फ कर्जे और घोटाले छोड़े हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ने प्रदेश की उन्नति और तरक्की के लिए आम से लेकर खास तक, यानी गरीबों गरीब कल्याण की योजना, जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में जो केंद्र सरकार काम कर रही है, विकास की गति बढ़ा रही है, और कुछ जगह अगर कर की बात आती है, देखिए देश के विकास के लिए आवश्यक है, विकास तभी संभव होगा, आएगा कहाँ से, तो फिर भी आप सोचें कि इतने सारे प्रोजेक्ट कर मुक्त करके और उसके बाद भी इतना बड़ा विकास का मॉडल तैयार किया है, और किसानों के लिए ऐतिहासिक, छोटे व्यापारियों के लिए, फुटकर व्यापारियों के लिए, रेडी ठेले वालों के लिए भी, यानी गरीब कल्याण के, यानी कह दें मेरी भाषा में, अध्यात्म की भाषा में, कि पुण्य कमाने के पूरे पूरे अवसर, कि हर गरीब के, आम के, खास के, किसान के, सबके लिए ऐतिहासिक बजट पेश किया गया है, सबको लाभकारी है। और अध्यात्म गुरु होने के नाते मुझे ये भी प्रसन्नता है कि हमारे सभी धार्मिक स्थलों को, तीर्थों को, उनको भी उद्धार करने का, वहाँ भी अध्यात्म पर्यटन बढ़े और उसके माध्यम से हमारे प्रदेश का रेवेन्यू भी बढ़े, ये सबका भी विशेष ध्यान दिया है। तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भजन लाल शर्मा जी, वित्त मंत्री हमारी श्रीमती दिया कुमारी जी और पूरी हमारी भाजपा परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ, सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि ऐतिहासिक बजट सबके लिए लाभकारी जो दिया है, और इससे मुझे पूर्ण विश्वास है इस प्रदेश का अग्रणी पंक्ति में विकास की ओर गति बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रति व्यक्ति जो कर्जा है वो बढ़ गया है, लगभग 70,000 रुपए राजस्थान के हर व्यक्ति पर कर्जा है आज तक, ये पिछली सरकार की देन है साहब। पिछली सरकार ने जिस कदर झूठी गारंटियां, झूठे वादे, एडवर्टाइजमेंट और व्यर्थ की घोषणाएं करके और प्रदेश को कर्जे में ला दिया, काम पूरे हुए नहीं है, घोटाले ज्यादा हुए हैं और रेवेन्यू जनरेट करने की कोई योजना नहीं थी, लेकिन हमारे प्रदेश की सरकार ने, भाजपा सरकार ने, सुशासन ने, राम राज्य की स्थापना के तत्पश्चात, ये सरकार कहते राज राम राज्य की स्थापना की सरकार है, राम जी का पुनः स्थापित हुआ है, यानी सबके विश्वास जीतकर सबका विकास करने का काम है, तो उसको अगर देखते हैं तो आपको अभी शुरुआत है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि कर्जा मुक्त भी होगा, राजस्थान में रेवेन्यू भी बढ़ेगा, और जिस कदर हम लोग रेवेन्यू जनरेट करने वाले हैं, यहाँ का व्यापार, पर्यटन, सभी क्षेत्रों में हम लोग बहुत तेज गति से बढ़ने वाले हैं। अब तक बात आती है गुजरात मॉडल की, पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो ऐतिहासिक गुजरात का परिवर्तन लाए, जहाँ गुजरात में न पर्यटन था, न इतना कोई व्यवसाय था, और लोग, गुजरात के लोग भी बाहर जाते थे कमाने के लिए, और आज गुजरात इतना समृद्ध बना दिया कि गुजरात मॉडल पूरी दुनिया में पेश किया गया, और उसी विकास को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत में काम किया और पूरी दुनिया में, आज पूरे विश्व में भारत का नाम हुआ, और उसी डबल इंजन जो बोला जाता है, उसी डबल इंजन की सरकार, तेज गति से यहाँ का भी रेवेन्यू जनरेट होगा, विकास बढ़ेगा, यहाँ के किसानों से लेकर व्यापारी वर्ग सबकी आमद बढ़ेगी, और आप देखेंगे कर्जा मुक्त राजस्थान पूर्णतः होगा। पिछली सरकार के जो किए कार्यकलाप है, जिस प्रकार के घोटाले हैं, उसको देखते हुए कर्जा बढ़ा है, लेकिन अब ये प्रदेश की भजनलाल जी की सरकार है, मुख्यमंत्री महोदय ने ऐतिहासिक रूप से ये आज बजट जो दिया है, ये माने रेवेन्यू भी जनरेट होने वाला है और कर्जे से मुक्ति भी होने वाली है। पूर्ववर्ती सरकार के जो घोटाले हैं उनकी धरातल से जांच होगी? बिल्कुल, जांच हो रही है, जांच की प्रक्रिया है, जो हमारी स्वतंत्र संस्थाएं हैं वो कर रही है, करेगी, और सबकी जांच होनी भी चाहिए। जिस कदर से पिछली सरकार के बैठे मंत्री और उनसे संबंधित लोगों ने जो जो काम किए, उनकी जांच होनी चाहिए, और उनको भी डरना नहीं चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, बौखलाते क्यों हैं? जब कहीं बात आती है जांच की तो बौखलाते क्यों हैं, हल्ला क्यों करते हैं? आप होने दीजिए, जो गलत है वो गलत पाया जाएगा, जो सही हो सही पाया जाएगा। उत्तराखंड सरकार की एक शुरुआत है और होना ही चाहिए साहब, एक देश एक कानून होना चाहिए, एक देश में अलग अलग कानून, जैसे जिस प्रकार से कश्मीर में धारा 370, तो एक ये हमारा ही अपना परिवार था और उसको इस तरीके से वहाँ का अलग कानून बना दिया, और भी कई जगह अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए, एक देश तो एक कानून होना चाहिए। और देशों को भी आप देख लें, और देशों में क्या हम जाके अपना कानून लगा सकते हैं क्या? तो फिर यहाँ इस प्रकार का क्यों? जब धर्म निरपेक्ष बोलते हैं अपन, तो फिर उसके हिसाब से काम चलने दो, क्यों यहाँ पर दो प्रकार के कानून की बात करते हो? इसलिए अगर वहाँ हुआ है तो अच्छी शुरुआत है, स्वागत करना चाहिए, हम भी लोग उसका स्वागत करते हैं।